गो ग्रीन चैनल पे सबको स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो मैं खास करके उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि ये कश्मीर एफएल बेर का खेती पहली बार किया है और उन लोगों को ये भी नहीं पता कि फ्लावरिंग आने के बाद कौन सा स्प्रे करना चाहिए और जो पेड़ है, जो कश्मीरी एप्पल बेर का पेड़ है वो पीले रंग का होने से आप लोगों को कौन सा मेडिसिन स्प्रे करना है और फ्लावरिंग सीजन पे आप लोगों को कौन कौन सा फंगिसाइड यूज करना है वो नहीं पता है। बहुत सारे दोस्त महाराष्ट्र से पूछ रहा है, उड़ीसा से पूछ रहा है, आसाम से पूछ रहा है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से पूछ रहा है, तो मैं आज वो जो भी मेडिसिन मैं स्प्रे करता हूँ और मेरा जो पेड़ है कितना हेल्दी हुआ है पीछे आप लोगों को देख रहा है, एक एक पेड़ में कितना फ्लावरिंग आया है वो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं, देख रहे हो ये वाला सिंदूरी है, सिंदूरी का जो होता है वो थोड़ा लंबे साइज का होता है। ये देखिए, ये थोड़ा ये राउंड शेप का नहीं होता है, जैसे कि इसमें देखिए ये भी सिंदूरी का है, ये देखिए सिंदूरी का भी फ्रूट्स निकल रहे हैं, ये देखिए इसमें भी फ्रूट्स निकल रहे हैं। 15 दिन पहले मैंने स्प्रे किया था, ये जो मेडिसिन मैंने आप लोगों को दिखाया और इसमें फ्रूट निकल रहे हैं दोस्तों, और फ्लावरिंग भी कितना ज़्यादा है और फ्रूट्स भी निकल रहे हैं बहुत सारे। ये इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये मेडिसिन आप लोगों को यूज़ करना चाहिए और ये आप लोग ऑनलाइन ले सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा। अगर आप लोगों को कुरियर पे चाहिए वो भी बोलिएगा, कुरियर पे भी मिल जाएगा। ये देखिए इतना सारा फ्रूट निकल रहे हैं, अभी सिर्फ स्टार्ट है दोस्तों। ये 15 दिन पहले मैंने स्प्रे किया था, ये देखो मैंने जैसे कहा आप लोगों को, फ्लावरिंग तो बहुत ज़्यादा है ही, इसके साथ साथ फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। ये देखिए तो दोस्तों आप लोगों का जो पेड़ है कश्मीरी एप्पल बेर का पेड़ है, बारिश की वजह से बहुत किसान भाई को नुकसान हो सकते हैं, तो आज मैं दिखा रहा हूँ बारिश से ज़्यादा, अगर बारिश के कारण अगर आप लोगों का ज़्यादा फूल झर रहा हो, अगर फ्लावरिंग गिर रहा हो, ज़्यादा गिर रहा है, तो आप लोगों को एक मेडिसिन यूज़ करना है, ये फंगिसाइड है। और आप फ्लावरिंग की सीजन कोई भी फंगिसाइड यूज़ मत कीजिएगा, सिर्फ ये ही यूज़ कीजिएगा, ये है एमिस्टर टप नाम दिख रहा होगा, ये वाला आपको यूज़ करना है। आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो, एमिस्टर टप है इस मेडिसिन का नाम, और इसका यूजेस आप लोगों को पर लीटर 0.5 ml यूज़ करना है, 0.5 ml पर लीटर मिक्स करके आप लोग जो फ्लावरिंग है इसमें स्प्रे कर सकते हो। तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कौन सा फंगिसाइड मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा पेड़ जो है वीक हो रहा है, येलो मतलब पीले रंग का हो रहा है, इन सब दिक्कत से बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम होता है वो इस दिक्कत से ये आप लोगों को ये मेडिसिन से वो दिक्कत आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा, वो प्रॉब्लम आप लोगों को ये मेडिसिन यूज़ करने से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं और दिखा रहा हूँ, और विटामिन जो है दोस्तों, विटामिन ये है स्मार्ट वेलू, एक प्रोडक्ट है स्मार्ट वेलू एग्रोवीरा प्लस जो है, मैं जो नाम है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ये एग्रोवीरा प्लस आप लोगों को यूज़ करना है। ये विटामिन है जो कि आप लोगों को जब फ्रूट्स ज़्यादा निकलने के लिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पे अभी फ्रूट्स निकल रहे हैं, 15 दिन पहले मैंने स्प्रे किया था और यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छा है, पेड़ों का ग्रोथ भी अच्छा होता है, और ये एक बिल्कुल ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और ये आप लोगों को जरूर यूज़ करना चाहिए, इससे हैम्पर भी कम होगा, क्योंकि जो फ्रूट्स है हम लोग ज़्यादातर सबसे पहले किसान भाई ही खाते हैं, जो बगीचा करता है वो ही पहले खाते हैं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग जितने भी दोस्त हो
ज़्यादातर ऑर्गेनिक जो मेडिसिन होता है वो ही आप लोग स्प्रे कीजिए, और ये स्मार्ट वैल्यू एग्रो वीरा प्लस जो है वो आप लोग यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और मेरे यहाँ पे तो बहुत पहले से ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। ये है आप लोगों का विटामिन, और इस विटामिन के साथ एग्रोलाइजर स्मार्ट वैल्यू का ही प्रोडक्ट है, एग्रोलाइजर 82। ये दोस्तों आप लोगों को एक अलग तरह से प्रॉफिट देगा। ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है दोस्तों, फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा पानी ज़्यादा हो जाता है, तो इससे बचाने के लिए ये जो मेडिसिन है आपको 0.5 ml पर लीटर यूज़ करना है, मतलब 20 लीटर का अगर आप लोगों का स्प्रेयर है तो उनमें से आप लोगों को सिर्फ 10 ml यूज़ करना है, 10 ml यूज़ करने से आपको हो जाएगा। ये आप लोगों को जो फ्लावर में जितना पानी चाहिए, एक पेड़ में जितना पानी चाहिए इतना पानी ही वो मतलब पेड़ के लिए रखेगा, ये मतलब ज़्यादा पानी गिरने नहीं देगा पैरों में, पानी से आप लोगों को ज़्यादा पानी से प्रोटेक्शन देगा। ये एग्रोलाइजर 82 जो है वो आप ये एग्रो वीरा प्लस के साथ आप लोगों को ये जो विटामिन है इस विटामिन के साथ आप लोगों को मिक्स करके यूज़ करना है। एग्रोलाइजर प्लस मतलब ये दोनों आप लोग एक साथ मिक्स करके दे सकते हो। ये आप लोगों को ज़्यादा पानी से जो दिक्कत होता है, ज़्यादा पानी फूलों में लगने नहीं देगा और पैरों में ज़्यादा पानी लगने नहीं देगा, वो नीचे गिर जाएगा, जितना पानी चाहिए इतना पानी ही वो लेगा पैरों के लिए। और ये आपको विटामिन फ्रूट्स को ग्रोथ होने में हेल्प करेगा, पैरों का ग्रोथ ज़्यादा बढ़ाएगा और पीले रंग का होने नहीं देगा। और ये जो है ये आप लोगों को बारिश की वजह से जो पीले रंग का हो जाते हैं फंगिसाइड जो है वो आप लोगों को ये हेल्प करेगा। तो ये तीनों मेडिसिन आप लोगों के लिए कश्मीरी एप्पल बेर की खेती के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिए। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। मैं उड़ीसा से संबलपुर कुचिंडा से सत्य बोल रहा हूँ, और मैं विक्रमजीत भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे कश्मीरी एप्पल बेर का खेती का वीडियो मांगे, क्योंकि मैं उनको बहुत दिन से ही यूट्यूब पे फॉलो कर रहा हूँ और वो मेरे को जो जो भी कमेंट करता हूँ उनका रिप्लाई देते हैं, और उनका गाइडलाइन से ही मैं अपना खेती कर रहा हूँ क्योंकि उड़ीसा पे उतना कश्मीरी एप्पल बेर ना के बराबर खेती होता है, तो होता ही नहीं है, तो पता भी नहीं है लोगों को कैसे कैसे क्या खेती करना है। तो यूट्यूब पे मैं विक्रमजीत भाई को कैसे करेंगे क्या करेंगे और उनको देख के ही मैं अपना खेती किया हूँ, और रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है क्योंकि वो भाई जैसे डिस्क्राइब करके बता रहे हैं वो इजी हो रहा है और समझने में, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और एक बार, और उड़ीसा और बाहर से भी स्टेट से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई को फॉलो करो क्योंकि वो मतलब गाइडलाइन जैसे दे रहे हैं कि खेती अच्छे से हो सकता है और वो भी सक्सेसफुल हैं इंडिया पे, तो उनको फॉलो करो।